तो हे व्हाट्स अप गाइस एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज बहुत दिनों के बाद व्लॉग स्टार्ट किया हम लोगों ने। एंड मैं तो फ्लोर क्लीनिंग कर रहा था एज यूजुअल, 12 बजे में उठा, फिर उसके बाद फ्लोर क्लीनिंग करने गया। तो जैसे मैं बॉक्स लेके, मतलब डब्बा जो होता है ना फ्लोर क्लीन, पीछे लेके जा रहा था, मेरे को एक चिड़ी का बच्चा मिला। हम लोग उसको गिटार बोलते हैं जो स्पीशीज बिलोंग करती है। फिलहाल उसको ला के मैंने अंदर रखा है, थोड़ा गर्म रहे उस वजह से। अभी उसको बाद में फीड करूँगा कुछ। ये देखो, ये रहा बेचारा, बहुत छोटू है अभी, देख लो गाइस, ये छोटू सा है अभी। चलो उसको सोने देते हैं थोड़ी देर। बस उसको कवर किया है कि जिसे लाया था तो सैरलैक भी खिला सकते हैं। वर्म्स तो मिलेंगे नहीं भाई, वर्म्स खाते हैं असल में, बट वर्म्स तो मिलते नहीं है। अभी वर्म्स इतने ढूंढने जाऊंगा तो हो गया, मैं पूरा दिन वेस्ट कर दूंगा, बेचारा भूखा रह जाएगा। तो मैं अभी यूट्यूब पे चेक करता हूँ कि उसको, मतलब वर्म्स की जगह पे और क्या खिला सकते हैं। डैडी तो बोल रहे हैं कि, मतलब जो आटा होता है उसको थोड़ा सा, मतलब पतला करना चाहिए, एंड उसको ना सिरिंज जो, मतलब इंजेक्शन होता है उसमें फीड फुल फिल करके एंड उसको फीड कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा। एंड इसका इनका कैसा होता है कि हर हाफ एन आवर में इनको फूड चाहिए होता है। तो अब बच्चे हैं यार, ऑब्वियसली इनको तो मतलब फीड करना ही पड़ेगा। अब मैं छोड़ दूंगा, मैं अब देखो, मैं अगर उनके घर पर ना छोड़ सकता हूँ, कि हमारे ना जो टेरेस की सीढ़ियाँ हैं उसके डाउनवर्ड्स इन्होंने बनाया अपना घर। अब वहाँ पे एक तो पहली बात कि मेरा हाथ जाएगा नहीं, एंड मैं कैसे तैसे करके लकड़ी पे बिठा के, अगर मैं पुश करके बिठा भी देता हूँ अंदर, बट जो मतलब इनके पेरेंट्स होते हैं ना, उनको ना एक स्मेल आ जाती है जो हम लोग ह्यूमन्स से स्टिंग आती है, या फिर हम लोग ह्यूमन्स की जो बदबू होती है वो सूंघ लेते हैं यार। अब उनकी नाक तो हमारे से 10 गुना तेज़ होती है, तो सूंघ लेंगे फिर इसको, मतलब वो अबैंडेड ही कर देंगे। अब मैंने होल्ड किया है तो अबैंडेड ही है भाई, है उनके लिए तो अबैंडेड ही है। अब वो छुएंगे भी नहीं, क्योंकि पहले मैंने ट्राई करके देखा था, तभी तो उन्होंने पकड़ा भी नहीं बेचारे एक बच्चे को। वो मैंने फिर से मैंने उसको पाला था, तभी मैं छोटा था, मेरे को इतना आइडिया भी नहीं था। मैंने आटे को ना ऐसा, मतलब जो हम लोग रोटी के लिए आटा घट बनाते हैं एकदम बेस, वैसे वाले में से थोड़े थोड़े वर्म्स टाइप बना के मैंने खिलाया था। 3 दिन मेरे पास रहा, बाद में मर गया था। अभी मैं देखता हूँ मैं पहले क्या करना है, क्या खिलाऊँ, सब देख के फिर ही फीड करूँगा। वैसे मैं फीड करूँगा नहीं जिससे उसको हार्म हो, कुछ भी हो। फिलहाल देखते हैं, आज का व्लॉग तो ऐसे स्टार्ट हुआ है, चाय वाय मैंने पी ली थी, अभी बस इसकी देखभाल करते हैं। देखा तो मैंने उसको ये फीड किया था यार, क्या वो क्या बोलते हैं की आंदे पटाड़े हिंदी से, पटाड़े ने की आंदे देखो, रोटी नहीं खाती जाती। देख लो मैगी बना दी है, तेरा बूथा नहीं दिखा दिया। तो यहाँ पे मैंने दाल भिगोई हुई है बहुत टाइम से, अब शायद नरम नहीं हुई भाई, है थोड़ी और इसको भिगोते रखते हैं ऐसे थोड़ी देर और भिगो के रखते हैं, फिर उसके बाद फोन कर चिपड़ी। तो मैंने कुछ ऐसे उसको फीड किया था, देखो अभी भी इसमें बचा हुआ है क्योंकि उसने पूरा खाया नहीं, आधा भी नहीं, आधा से थोड़ा कम ही खाया। वे चिड़िया तो समझ आता चौल खाते अंडे कई चौल दसो कच्चे चौल जीरा जीरा कह दो हम तो उधर चौल खाते एक चिड़ी हमारे घर में बड़ी चिड़ी तो इस डब्बे में मैंने उसको रखा हुआ है, थोड़ा गर्म रहेगा।
देख लो भाई जी, सो रहे अभी फिलहाल तो प्याते ही थे। रोटी खा, चाय प्याई तो रोटी नहीं खाती सिर्फ। तो यहाँ पर एक और गाड़ी का प्रोसेस चालू है अभी, पेंटिंग प्रोसेस। ये बस सब कैसे, एंड आज है तीसरा दिन, मैंने मतलब उस दिन रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो जैसे कि मैंने दिखाया था, मेरे को एक बर्ड मिला था, मतलब एक छोटा सा बीबी मिला था। तो हम लोग उसको गटार बोलते हैं, गटार। एंड जैसे मैंने उसको मतलब ट्रीट किया, मैंने अपने तरफ से पूरा ही ट्राई किया था उसको सेव करने का, बट वो मर गया भाई। लाइक परसों ही हुआ, कल का एक दिन मैंने मतलब परसों मैंने रिकॉर्ड करने का सोचा था, बट मतलब मेरी हिम्मत ही नहीं हुई यार। मेरा खुद मूड ऑफ हो गया था कि मैं छोड़ यार, क्या यार, मैं मेरे हाथ से हुआ, मेरे को बस वही गिल्ट हो रहा था मेरे वजह से कुछ हुआ है, बट ऐसा नहीं था एक्चुअली। जब मतलब वो ऊपर से गिरा, उसके चोट लगी हुई थी। अब बर्ड्स का डॉक्टर तो मेरे आसपास यहाँ पे कहीं भी था भी नहीं, मेरे को कोई आइडिया भी नहीं था कि बर्ड्स के लिए मतलब ऐसा कोई डॉक्टर होता है जो अलग मतलब ट्रीटमेंट देता हो, एंड मतलब उसके पास लेके जाऊँ तो ठीक हो जाएगा। एंड मेरे को आइडिया नहीं था कि मतलब वो ऐसा मर जाएगा, मेरे को लगा था कि रिकवर हो रहा है, बिकॉज मैंने उसको टाइम से टाइम खाना दिया था यार। मतलब हाँ, मैं यही मानता हूँ कि मेरे पास वर्म्स नहीं थे, क्योंकि मैं मतलब कीड़े वर्म्स उनको खिला पाता उसको। बिकॉज अभी मतलब यहाँ पे ऐसा है कि पूरा मतलब एरिया डेवलप हो चुका है, यहाँ पे कहीं पे वर्म्स मिलते भी नहीं इजीली। एंड मैंने उसको ना मतलब प्रोटीन वाला खाना दिया था, मैंने कुछ मतलब फ्रेंड्स से पूछा, एंड मेरी बुआ की बेटी है, उनके पास भी बर्ड्स है, एंड इवन दो उनके पास पैरट्स भी है। तो मेरे को मतलब उनसे पूछा था, उन्होंने बोला था कि मतलब उठाने या फिर कोई दाल, मतलब एक दाल बोली थी वो, मतलब भिगो के एंड ग्राइंड करके पाउडर कर लेना, तो उसका पाउडर उसको मतलब पानी के साथ मिला के खिला सकते हो। तो मैंने वही किया, एंड वो खा के हेल्दी भी था, बट पता नहीं सडनली यार सेकेंड डे उसको क्या हुआ, एंड उसने खाना भी खाया था, फिर मतलब आराम से सो भी गया था। तो मेरे को लगा कि सो गया, चल कोई नहीं, इसको डिस्टर्ब नहीं करते। एंड जैसे मैंने खुद का खाना खा के उसको फिर से चेक करने गया, तो मतलब वो मेरे को मरा मिला भाई। मेरा मूड ऑफ हो गया था कसम से। आज मैं तीसरे दिन पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हुआ परसों है। कल फिर मैं मतलब मेरी ताई के घर पे गया था, वहाँ पे मतलब पूजा थी उनके घर पे, तो वो सब काम करके वहाँ पे सब करके कल आके मैंने मतलब सोया रात पे। मेरे को मतलब दिमाग में ना वही सब चल रहा था, मैं सोया भी सुबह 5 बजे हूँ, एंड फिर से मतलब पानी आ गया, तो 8 बजे आवाज़ लगानी चालू हो गई। मूड ठीक सा नहीं था, इसलिए मैंने सोचा वीडियो रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए। अभी भी मेरे को वही चल रहा है दिमाग में, बट क्या करें यार, अब कुछ भी कर नहीं सकते थे हम लोग। अब मैं वापस के घोंसले में उसको छोड़ सकता था, बट मैं छोड़ देता तो वो एक्सेप्ट नहीं करते यार। बर्ड्स का पता नहीं ये क्या नेचर होता है, मेरे को समझ भी नहीं आता। एक बार हम ह्यूमंस ने उनको टच कर लिया ना, उनके बच्चों को या फिर उनको किसी को भी, तो वो अबैंडन कर देते हैं यार सीधे सीधे उनको। मतलब आपको अगर किसी को बर्ड्स की नॉलेज है कुछ भी, मतलब आपको पता होता है कि क्या कर सकते हैं उस मोमेंट पे क्या नहीं, तो मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना यार, क्योंकि अगली बार अगर कुछ भी ऐसा मेरे को मिलता है तो मैं उसकी मतलब अच्छी टेक केयर कर सकूँ, एंड होप सो मैं उसको अच्छे से ग्रो अप करवा सकूँ, एंड मर ना पा, बस मरने ना दूँ उनको। अगर कोई है तो प्लीज़ मेरे को या तो इंस्टा पे DM कर देना, एंड या फिर मतलब कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय शेयर कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं हम लोग कल, मतलब नेक्स्ट न्यू व्लॉग में जब आएगा, तो देखते हैं कब आता है नेक्स्ट व्लॉग। अब मिलते हैं हम लोग को, बाय बाय।